मुता कहते हैं नफा उठाने को, निकाह मुता होता है, ये होता निकाह ही है, ये कोई वो वाला मामला नहीं है कि वो बच्चा पैदा होगा तो वारिस नहीं, वो जो बच्चा पैदा होगा वो वारिस भी होगा अपने बाप का, उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा, वो सारे बाकी स्टेटस वही रहेंगे। लेकिन निकाह मुता ये होता है कि आपने कम से कम 3 दिन के लिए होता था, ज्यादा जितने भी दिन कर लें, 3 दिन के बाद यानी जो दिन भी आपने तय किए उसके बाद ऑटोमेटिकली वो निकाह खत्म हो जाएगा जैसे उसकी पीरियड टाइम पीरियड पूरा होगा। लेकिन जो औलाद पैदा होगी वो उसका बाप वही होगा, उसको विरासत में भी बाकी सारे मामलात वही चलेंगे, तो इसीलिए निकाह मुता कहा जाता। तो अब इसको कोई ये नहीं कह सकता ये कोई बदकारी थी, वरना तो बुखारी मुस्लिम में है कि सहाबा इकराम ने किया, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं नबी अलैहिस्सलाम की इजाजत से किया। वो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर के ज़माने में और हज़रत उमर के शुरू के ज़माने में मुतअतुन निकाह, मुतअतुन निसा यानी औरतों का मुता, और मुतअतुल हज यानी हज का मुता यानी हज तमत्तो, एक ही सफ़र में हज और उमरे को जमा करना, ये किया करते थे। फिर हज़रत उमर ने इसे सख्ती के साथ मना फरमा दिया कि यह हराम हो चुका है। ज़ाहिर खबर सब तक नहीं पहुँची हुई थी तो हज़रत उमर ने इसको इस्टेब्लिश किया, आज वाला तो नहीं था इंटरनेट वाला दौर के जी एक बात यहाँ से क्लिप चढ़ा सबको पता चल गया, तो ऐसा नहीं होता था, चंद लोगों को पता था, फिर आस्ता आस्ता वो चीज़ इस्टेब्लिश हो गई। जिस तरह शराब भी कुछ स्टेजेस में हराम हुई है, ये भी कुछ स्टेजेस के अंदर हुआ है। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम में कि मौला अली रजी अल्लाह तआला ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ऑब्जर्व किया कि वो निकाह मुता के बारे में नरम रवैया रखते थे और वो नौजवानों को इसके हक में फतवा दे देते थे, तो हजरत अली ने उनको डांटा इब्ने अब्बास को और कहा रुक जाओ इससे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे खैबर के मौका पर निकाह मुता से यानी मुतातुन निसा से मना फरमा दिया। मुतातुल हज तो बाकी है, हज तमत्तो वो तो अफजल तरीन हज है, वो आज तक बाकी है, वो अलग से अहदीस है। और पालतू गधों के गोश्त को भी हराम कर दिया। अलबत्ता ये बात ठीक है कि सही बुखारी में आता है कि इब्ने अब्बास फतवा हमेशा यही देते थे कि ये जायज़ है, लेकिन सही बुखारी में मौजूद है जब उनके गुलाम ने कहा कि ये उस सूरत में है कि जब कोई शख्स सफर में हो या औरतों की कमी हो जाए और मजबूरी में कहीं पे मामला हो जाए जिहाद के दौरान, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा हाँ मैं भी उसी सूरत में इसे जायज़ समझता हूँ, आम हालत में नहीं है। और सर हैरानकुन बात आपको बताऊँ, शिया भी आम हालत में निकाह मुता को हराम समझते हैं, जिनकी बीवियाँ हैं उनके लिए नहीं वो कहते मुता करें जी, वो ये कहते हैं आप जिहाद में गए हैं या दूसरे मुल्क चले गए जहां आप अपनी बीवी नहीं साल लेके जा सके तो वक्ती तौर पर निकाह कर लें, मुतलकन नहीं है जिस तरह पब्लिक में मशहूर है। और ये इब्ने अब्बास का भी मौकिफ था, लेकिन ये इब्ने अब्बास का मौकिफ शाज है, सहाबा के इजमा के खिलाफ है। और इस हवाले से इमाम बुखारी ने भी पूरा चैप्टर बांधा है और बकायदा अपना कॉल भी लिखा है कि निकाह मुता अब हमेशा के लिए मंसूख हो चुका है। और सही मुस्लिम में भी इमाम नवी ने चूंकि उसके बाद बाप बांधे हैं मुस्लिम शरीफ के, इमाम मुस्लिम ने खुद नहीं बांधे थे, छोड़ दिए थे उन्होंने, उन्होंने भी यही बाप बांधा है कि ये हमेशा के लिए हराम है। लिहाजा अहले सुन्नत में तो इत्तफाक है, इसलिए अहले सुन्नत के उलमा की जब आप तकरीर सुने या उनकी किताबें पढ़ें तो वो बुनियादी हदीस यही लेके चलते हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है। एक तो इब्ने अब्बास वाली बताइए, एक अलग से भी है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खैबर के मौका पर पालतू गधों के गोश्त को और निकाह मुता को हराम फरमा दिया था। कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई, वो सही मुस्लिम में एक हदीस है कि फतेह मक्का के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल ग़ज़वे औतास भी हुआ था उस मौके के ऊपर 3 दिन के लिए साहबा को सफर में उस जिहादी सफर के दौरान जब उनकी बीवियां उनके साथ नहीं थी मुता की इजाजत दे दी थी 3 दिन के लिए। वो जो पाबंदी थी वो वक्ती तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वही के जरिए उठाई। और उसके बाद उसी हदीस में मौजूद है, वो हदीस रवायत की है सबरा बिन माबद ने, वो कहते हैं फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अनाउंसमेंट की कि अब क्यामत तक के लिए हराम है निकाह मुता, क्यामत तक के लिए, यह उसमें अल्फाज है। और 26 अहादीस हैं सही मुस्लिम में, एक पूरा चैप्टर है उसमें आपको कई सहाबा से मिलेगा कि अब ये हराम है। और वो इंटरनेशनल नंबर है उन अहादीस का
3410 से लेकर 3435 तक, 3410 से 3435 तक, और उसमें आप एक हदीस तो जरूर पढ़िएगा 3429 नंबर 3429 कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब खलीफा बने, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर खलीफा बने हैं 64 हिजरी के बाद, जब मौला अली को फौत हुए हुए कम से कम 24 साल गुजर चुके थे, तो मौला अली के समझाने के बावजूद भी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपने फतवे पे कायम थे, वो निकाह मुता को जायज समझते थे, उन्होंने रुजू नहीं किया। तो फिर शिया यही फिर सुनियों को फकी देते हैं ना, वो कहते हैं तुम कहते हो साहबा जो है वो सितारों की मानंद है, तो फिर इब्ने अब्बास सितारा नहीं है, जिसके बारे में बुखारी में हदीस है कि इसे ऐ अल्लाह कुरान का इल्म अता फरमा, तो फिर आप लोग उसको नहीं मानते, तो हम क्या कहते हैं कि उनका कौल शाज है। और बाद लोग कहते हैं रुजू कर लिया था, रुजू वाली तो कोई बात नजर ही नहीं इसमें आ रही, बुखारी में भी मौजूद है कि वो इस कंडीशन के अंदर फतवा देते थे, और मुस्लिम शरीफ में अब्दुल्ला बिन जुबैर खलीफा बने 64 हिजरी में, 73 हिजरी में वो शहीद हुए हैं 9 साल के लिए, यजीद के मरने के बाद हिजाज में उनकी हुकूमत थी, तो वो खुतबा दे रहे हैं, खुतबे के दौरान उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तरफ इशारा करके कहा कि बाज लोग दुनिया में अपनी आंखों से अंधे हो चुके हैं और अल्लाह ने उनको दिल का भी अंधा कर दिया कि वो इस किस्म के फतवे देते हैं कि निकाह मुता जायज है। अब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसी खुतबे के अंदर ही कहा कि तुम बेअदब और कम फहम हो, इमामुल मुत्तकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो परहेजगारों के इमाम थे उन्होंने मुता की इजाजत दी है, तो ये मतलब है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपनी बात पे कायम थे। तो अच्छा, मुस्लिम शरीफ में ना इमाम मुस्लिम ने ना गुस्ताखी से बचने के लिए ना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का नाम नहीं लिखा, रजुलुन एक मर्द, एक मर्द, लेकिन आप बाकी हदीस की किताबें उठाएंगे ना तो वो आपको नाम भी, वो फलां का नाम भी पता चल जाएगा। मुसनद अभी अवाना के अंदर बकायदा मेंशन है कि वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ही ज़रा ये कह सकते थे ना बेअदब कम फहम, कोई ताबी तो नहीं कह सकता था एक सहाबी दूसरे सहाबी को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को कि इमामुल मुत्तकीन ने हमें इजाजत दी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा कि तू फिर करके बता मुता, तो देख मैं तुझे रजम भी करवाऊंगा, यानी ज़ाहिर वो तो खलीफा थे, तो उन्होंने धमकी लगाई कि फिर ठीक है तू फतवा देना आप कर, हाँ फिर तू देख मैं तैनल के करना। और ये हदीस काफ़ी लंबी है, इसके बाद फिर एक ताबी जो है इसके साथ हदीस में ही आगे अल्फाज हैं, वो ताबी कहते हैं कि ये मुता जो है मजबूरी की हालत में जायज़ था, जो मैंने आपको पहले सही बुखारी में बताया कि अब्दुल्ला बिन अब्बास भी मुतलकन मुता को जायज़ नहीं समझते थे, ना शिया मुतलकन समझते हैं, जिहाद के दौरान या जहाँ पर बीवी साथ ना हो दूसरे मुल्क के अंदर, वो तो आपको पता है पिछले दिनों आपके अहले हदीस की भी एक जिहादी तंजीम है, उनके बारे में मैंने अखबार में पढ़ा है, वो निकाह है जिहाद के लिए औरतें गई हुई थी वहाँ पे शाम के अंदर उन अहले हदीसों से निकाह करने के लिए, वो उसको निकाह मुता का नाम निकाह जिहाद रख लिया है, वो निकाह मुता ही सी वक्ती तौर पर गई हैं सन इस्लामी बहनें खिदमत करने के लिए, तो ये हराम है। अब ये मामला हराम हो चुका है, जिस तरह शराब अब हमेशा के लिए हराम है, ये हराम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के कॉल को हम दुरुस्त नहीं मानते, तो वो सही मुस्लिम की हदीस में वो आता है, वो ताबी कहते हैं कि जिस तरह मुर्दार खाना मजबूरन जान बचाने के लिए जायज़ हो जाता है उस सूरत में जायज़ है, मुतलकन ये जायज़ नहीं है। और फिर आगे वो जो सहाबी जिन्होंने ये हदीस बयान की है कि क़यामत तक के लिए हराम हो गया, उनका बेटा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जो खलीफा थे बनू उमैया के, और लेकिन मुजद्दिद भी हैं क्योंकि बनू उमैया की सारी गलत कारियों को उन्होंने दुरुस्त किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की मौजूदगी में ना वो उसी सहाबी का बेटा जो सबरा बिन माबद का बेटा है रबी बिन सबरा, वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को यह हदीस सुनाता है कि मेरे बाप ने खुद भी निकाह मुता किया था और उन्होंने मुझे बताया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का के मौके पर चंद दिनों के लिए इजाज़त दी थी, पहले खैबर के बाद हराम हुआ और फिर जब यहाँ हराम हुआ तो वह हमेशा के लिए हराम हो गया, गज़वे औतास के मौके पर फतह मक्का वाले साल। और वो जो रवायत बयान कर रहे हैं वो कहते हैं मैं वहाँ पर मौजूद था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास। अच्छा, ये सारी जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है ना ये मुसनद अभी अवाना के अंदर भी आती है और वहां पे वो रजुल उनके नाम भी मौजूद है कि वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे। और उसके आगे यही रबी बिन सबरा कहता है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मरने से पहले अपने फतवे से रुजू कर लिया था, लेकिन ये अल्फाज मुस्लिम में नहीं है, बुखारी से भी यही पता चलता है कि कोई रुजू नहीं किया।
अब ये उनका उसने जान है कि उनका उसने जान होगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने रुजू कर लिया था। अब वो क्या है, सनद है, उन तक पहुंची बात नहीं पहुंची। बल अहले सुन्नत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के हवाले से जान छुड़ाने के लिए ये रवायत पेश करते हैं। बाकी जो अक्सरियत अहले सुन्नत की, वो इस रवायत का सहारा नहीं लेती। वो कहती है कि जी ये कैसे हो सकता है उन्होंने रुजू ना किया हो जब उनको अहादीस का पता चला था। तो वो ज़ाहिर है वो खुद भी मुज्तहिद थे, वो इन अहादीस को मनसूख तसव्वुर नहीं करते थे और कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन के लिए बाकी मानते थे। लिहाजा अहले सुन्नत अहले तशय्यो इस मसले पर लड़ने की जरूरत नहीं है। आम हालत में तो ना शिया मुता के कायल हैं और ना अहले सुन्नत, अहले सुन्नत तो किसी सूरत भी कायल नहीं है।